के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर 12 की छिपा पड़ौत से, जहां पर उदयपुरिया में सरकारी विद्यालय के मैदान की तारबंदी को तोड़ने वाले तीन युवकों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जानकारी में सामने आया कि बस्ती के पास बने मकानों के निवासियों ने सरकारी विद्यालय की तार फेंसिंग को तोड़ फोड़ कर दी, वहीं सरकारी भवन के शौचालय को भी तोड़ दिया था। राजसमंद के आमेट थाना सर्किल के सप्रवा का गुड़ा में एक खेत में अचानक आग लगने से करीब 2.5 बीघा में लगे घास व हरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग की खबर लगते ही ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टैंकर मंगवाकर आग पर काबू का प्रयास किया। वहीं सूचना पर राजसमंद से फायर ब्रिगेड 1.25 घंटे देरी से पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में मिलावटी मिठाइयों का कारोबार जोरों से चल रहा है, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घटिया मावे से बन रही है मिठाइयां, वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जालौर के चित्रवाना उपखंड मुख्यालय पर दमकल वाहन नहीं है। लोगों ने कई बार इसकी मांग प्रशासन के सामने रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दीपोत्सव के तहत अगर आतिशबाजी से कोई भी आगजनी की घटना होती है तो इसके बचाव के लिए यहां पर बड़ी परेशानी होगी। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में अस्थायी पटाखा दुकानें टेंट के नीचे संचालित हो रही हैं, जिससे कि एक्सप्लोजिव एक्ट 2008 नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हनुमानगढ़ की संगरिया में तहसील के हरिपुरा गांव के वार्ड 3 में एक सूने मकान में आग लग जाने से खासा नुकसान हो गया। मकान मालिक जीताराम का परिवार बाहर गया हुआ था। हनुमानगढ़ के रावतसर में भाकरावाला में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मोहनलाल बलिहारा, जीवराज सिंह, उप सरपंच प्रताप सिंह रावतोट ने किया। उद्घाटन मैच 5 स्टार क्लब भाकरावाला रावतसर के मध्य खेला गया, जिसमें भाकरावाला चक विजेता रहा। हनुमानगढ़ के नोहर में दिल्ली में गुजरात चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर ने भी भाग लिया। तंवर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। जालौर के भीनमाल में स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत ग्राम पंचायत आतिवास में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर 212 मरीजों को निःशुल्क औषधि वितरण व 308 मरीजों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। जालौर के आहोर में दीपावली के त्यौहार को लेकर पटाखा बिक्री लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वहीं कई पटाखा व्यापारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जालौर के जसनपुरा में पंचायत समिति को ODF शौच मुक्त पंचायत करने के लिए विकास अधिकारी ने बुकाव सहित आसपास की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इसी के साथ घरों में शौचालय बनवाने के भी निर्देश दिए गए। जालौर के साचौर में 4 रास्ते पर वाहन के आड़े तिरछे खड़ा करने से यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है। दीपावली त्यौहार पर गांव से खरीदारी करने आ रहे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं जैसलमेर के नाचना में जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं हुई। यहां के रात्रि चौपाल में डिग्गियां साफ करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश के 2 महीने बीत जाने के बाद भी यहां पर डिग्गियों की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीण जनता पानी पीने को मजबूर है। सलावाड़ के खानपुर में डीजल इंजन फटने से किसान की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जगह का मौका मुआयना किया। हादसा खेत पर सिंचाई का काम करते वक्त हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली के मासलपुर में गांव काधोली में लोग गंदगी से परेशान हो रहे हैं। लोगों को पानी पीने के लिए भी गंदगी का सामना करना पड़ता है। यहां पर पेयजल की टंकी के पास भी गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अजमेर के ब्याव में कॉटन लोडर की चपेट में आने से महिला श्रमिक की मौत हो गई। हादसा कपास बीनने के दौरान हुआ। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। भरतपुर के बयाना में महिला की खेत पर काम करते वक्त करंट लग गया, जिससे कि परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में मिठाई विक्रेताओं ने अपनी मनमानी चला रखी है। यहां पर मिठाई के साथ साथ डिब्बे भी तोले जा रहे हैं। अभियान के नाम पर खाद्य विभाग अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। दौसा के सीकराय में 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई। आग लगने से यहां पर घरों के पास रखा कड़बी ढेर भी चल गया। बड़ी मशक्कत से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना टोडा पंचायत की मुड़ासिया ढाणी की है। चूरू के बिदासर में बैंक ऑफ बड़ौदा छापा प्रबंधक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रबंधक यहां पर किराए के मकान पर रहता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। कोटा के रामगंज मंडी में शहर में डेंगू का प्रकोप जारी है। यहां के अस्पताल में डेंगू पीड़ित मरीज एक पखवाड़े में 20 से अधिक पहुंचे हैं। झुंझुनू के मंडावा में पंचायत समिति सदस्य शशि भारू के नेतृत्व में मंडावा विभाग के सहायक अभियंता मुमताज अली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अघोषित विद्युत कटौती को बंद करके किसानों को 8 घंटे बिजली देने की मांग की गई। विद्युत कटौती होने के कारण किसान समय पर बुआई नहीं कर पा रहा है। जालौर के रानीवाड़ा में दांतवाड़ा में GSS का लोकार्पण किया गया। ये GSS मात्र 1.5 महीने में बनकर तैयार हुआ है। पुराना बना GSS बाढ़ के साथ बह गया था, जिसके बाद विधायक की अनुशंसा पर जल्द बनकर तैयार होने से ग्रामीणों ने विधायक का मुंह मिठा कर स्वागत किया।
करौली के सपोटरा में सपोटरा नारोली मोड़ पर वाहनों के आड़े तिरछे खड़ा करने से लोगों को परेशानी हो रही है। यहां पर हमेशा जाम लगा रहता है। यहां पर दीपावली के मद्देनजर कस्बे में भीड़ रहती है। निर्देश देने के बावजूद वाहन चालक आड़े तिरछे वाहनों को खड़ा कर देते हैं। करौली के टोड़ा भीम में बैंक ऋण की राशि नहीं चुकाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने 2014 में टेंट हाउस के लिए लोन लिया था। आरोपी ने बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक से लोन लिया था। चूरू के सालासर में गांव न्यामा खारिया कनीराम की रोही में दो खेतों में आग लग गई। खारिया कनीराम के भागीरथ न्यामा के कुंभाराम शर्मा के खेत में सूखी घास जल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिट्टी और हनुमान सेवा समिति एक टैंकर के साथ दो अन्य टैंकर से पानी डालकर काबू पाया। चूरू के रतनगढ़ में समसामयिक पदोन्नति वेतन श्रृंखला के लाभों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी सावलमल गौड़ की ओर से दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया। एक्सीएन मोहनलाल कमल ने बताया कि गौड़ 9 अक्टूबर से सेवा के दौरान विलंबित लाभ जारी करवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे थे। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र का भंडियाणा पिछले लंबे समय से राष्ट्रीयकृत बैंक की कमी का दंश झेल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने छोटे मोटे कार्य के लिए पोखरण उपखंड मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार मांग उठाने के बाद भी उपखंड भंडियाणा क्षेत्र में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है। कोटा के सुल्तानपुर में सीमलिया क्षेत्र के रेल गांव गड़ेपान पाचड़ा की झोपड़ी आदि गांव में डेंगू बुखार सहित अन्य बीमारी के प्रकोप से बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। बीमारी के प्रकोप के बाद भी गड़ेपान स्थित चिकित्सा केंद्र पर पिछले कई दिनों से डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। टोंक के निवाय में गाँव रजवास में चरागाह भूमि से राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। तहसीलदार गजेंद्र गोयल ने बताया कि गांव रजवास में चरागाह भूमि पर गांव के ही प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर की थी। भरतपुर के नगर में दीपावली के दौरान कस्बे के मुख्य बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। थानाधिकारी कार्यालय में शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखकर मुख्य बाजार में भारी वाहनों के चलते आवागमन बाधित होने की समस्या रखी थी। चलिए खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल रहा है। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जैसलमेर के पोखरण से जापक क्षेत्र के नरसिंहपुरा के पास सदर चल रहे बालक को कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नरसिंहपुरा के पास गनीखा निवासी को कार ने चपेट में ले लिया, घायल का पोखरण अस्पताल में उपचार जारी है। चूरू के रतनगढ़ में शोभासर के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच सुरेंद्र कुमार राव, जीप सदस्य सुमित्रा देवी, पंच सदस्य सीता देवी ने विद्यालय छात्रों को साइकिल बांटी। भामाशाह विजयपाल चाहर ने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। हनुमानगढ़ के भादरा में नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नगर अध्यक्ष डॉक्टर महमूद भाटी के नेतृत्व में गुरदासपुर पंजाब लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ के विजयी होने पर खुशियां मनाते हुए मिठाई बांटी गई। चूरू के सादुलपुर में मुख्य बाजार घंटा घर के पास नाली कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। नाली क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इसे कुछ दिन पहले ही पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को तोड़ा गया था और बाद में उसे वापस रिपेयर भी नहीं करवाया गया। चूरू के सालासर में गाँव पार्वतीसर के ग्रामीणों ने गाँव से होकर निकलने वाली सड़क के निर्माण कार्य के चलते हो रही परेशानी को लेकर आधे घंटे तक जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर कल ग्रामीणों ने सड़क रोक कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने समझाइश कर उन्हें शांत किया। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए नगर अध्यक्ष वैद्य भवनलाल शर्मा ने बताया कि शहर मंडल में युवा मोर्चा के सहयोग से 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाली प्रतियोगिता में शहर मंडल की सभी टीमों को आमंत्रित किया गया है। चूरू के तारानगर में नहर विभाग के अधिकारियों ने 3 किसानों के खिलाफ पानी चुराने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एएन कृष्ण कुमार सांगवान ने रिपोर्ट दी कि विभाग के जेएन कुलदीप कुमार नहर पर गश्त कर रहे थे, तभी 3 किसान पानी चोरी करते हुए पकड़े गए।
हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की बैठक हुई। बैठक में संघ के 23 और 24 अक्टूबर को बांसवाड़ा में प्रस्तावित दो दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। हनुमानगढ़ के संगरह में गांव अबूब शहर के पास राजस्थान कैनाल नहर में गिरने के लिए आई एक वृद्ध महिला को एक युवक ने बचा लिया। इसकी सूचना चोटाला पुलिस को भी दी गई। वृद्धा ने अपना पता श्रीगंगानगर में कोई काम बताया है। हनुमानगढ़ के नोहर में सहावा मार्ग पर वार्ड 17 में देशी शराब के ठेके के खिलाफ अब मोहल्लेवासियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। मोहल्लेवासियों ने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर शराब ठेके के समक्ष धरना शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा की बैठक हुई। बैठक में संगठन के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कार्यक्रम किया गया। संगठन के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के लिए 50 सदस्यों का भाग लेना तय हुआ। झालावाड़ के भवानी मंडी में दीपावली के नजदीक आने के साथ ही शहर में ग्राहक के चलने की उम्मीद से दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर आकर्षक सज्जा की है। अब धीरे धीरे मार्केट में ग्राहक भी बढ़ने लगी है। दीपावली की जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी में भी तेजी आई है। झालावाड़ के खानपुर में कोटा धरनावदा स्टेट हाईवे पर परवन नदी के गऊ घाट पुल की मरम्मत की जा रही है। अब वाहन सीधे ही इस मार्ग से गुजर सकेंगे। इस वाहन चालकों को करीब 45 किलोमीटर का अतिरिक्त फेर बचेगा। करौली के मंडराल में मौसमी बीमारियों के चलते झोलाछापुर ने अपनी दुकानें खोल रखी है। यहाँ कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के नीमोदा गांव के बालाजी मंदिर परिसर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हेमंत गुर्जर के नेतृत्व में पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। हेमंत गुर्जर ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्राणवायु ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। टोक की निवाई में थाना परिसर में एसडीएम हरिताभ आदित्य की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। सीएलजी सदस्य चेतन गंगवाल ने बताया कि शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी निम्न स्तर की है। अजमेर के पुष्कर में राजकीय अस्पताल के बाहर आपस में हो हल्ला कर उत्पात मचा रहे जोधपुर के साथ युवकों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के किशनगढ़ में शिवसेना हिंदुस्तान की बैठक कृष्णापुरी स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित की गई। क्षेत्रवासियों ने दिवाली पर कच्ची बस्ती के बच्चों को सामग्री देने और उनके घरों से दीपक रोशन करने का निर्णय लिया। अजमेर के बावन में स्थानीय चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में धनवंतरी जयंती आरोग्य सप्ताह के तहत मौसमी बीमारियों पर चर्चा की गई। वहीं चिकित्सा अधिकारियों डॉक्टर एच विश्वनाथ डॉक्टर नेहा सोनी ने दौरान उपस्थित लोगों को मौसमी बीमारियों के बचाव और उपचार की आवश्यक जानकारी दी। भरतपुर के नगर में महाराजा अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में छात्राओं ने रंगोली बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस मौके पर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण में आमजन की महत्वता विषय पर प्रतियोगिताएं कराई गई। करौली के डोड़ा भीम में गांव बॉल में 50 लाख रुपए की लागत से 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ गौरव पदघटिया निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त होना भी शुरू हो गया है। निर्माण के दौरान भी ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से बार बार निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग की थी। भरतपुर के कुम्हेर में कस्बे के अनारक्षित वर्ग संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में ब्राह्मण वैश्य राजपूत सिंधी पंजाबी कायस्थ आदि जातियों को भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में आरक्षण देने की बात दोहराई गई। कहा गया कि सभी जातियों को सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है। झालावाड़ के झालापाटन में झालावाड़ से अकलेरा तक ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। धौरपुर के सरमुथुरा में हाईवे के निर्माण की 6 माह में पोल खुलने लग गई है जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। हाईवे पर खरी नदी के पुल पर कई जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है। धौरपुर के सेबू में गांव खेड़ली में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और लाखों की वेवर पार कर ली। धौरपुर के धनमनिया में ग्राम पंचायत की ओर से रविवार को करीब 1500 छात्र छात्राओं युवाओं ने कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर स्वच्छता रैली निकाली। रैली में युवाओं ने जमकर भारत माता की जय एवं स्वच्छता के नारे लगाए। भरतपुर के बयाना में मुरक्की गांव के पास नामजद आरोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक स्वाट एम्बुलेंस के कंपाउंडर चालक पायलट के साथ मारपीट कर नकदी मोबाइल लूट कर ले गए। धौलपुर के बाड़ी में बत्तीपुरा में सास बहू पर हुए जानलेवा हमले में बहू की मौत के बाद बाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गज सिंह ने जब महिला को ले जाना चाहा तो सास बीच में आ गई और विरोध करने लगी। करौली के डोड़ा भीम में बालघाट क्षेत्र के गांव देवलेन तथा मोड़ के बीच संचालित शराब की दुकान के सामने अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट फर्स्ट इंडिया न्यूज़.com। नमस्कार।